नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर सैरगा रोड पर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेट्रो रोड स्टैंड से कुछ ही दूरी पर है ये, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोग, अगर हम विज्ञान की बात करें तो वो चांद पर रहने के लिए सोच रहा है, लेकिन यहाँ की सोच अगर देखें हमारे लोगों की, तो जादू टोना पे अभी भी विश्वास लोग रखते हैं। इस मोहल्ले की मैं अगर बात करूँ तो इस मोहल्ले द्वारा हमें कई बार फ़ोन किए गए हैं और कई बार ये कहा गया कि प्लीज़ यहाँ पर आएँ और यहाँ पर देखें। रात के समय में कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर आके, और ये देखिए, ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आटे की छोटी छोटी, जिन्हें हम कहें कि छोटी छोटी रोटियाँ बनाई गई हैं, लाल कपड़ा काला कपड़ा रखा गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बिल्ली की हत्या भी की गई है, जो कि हिंदू धर्म में नहीं रखते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बिल्ली की हत्या भी की गई है। वो सामने वहाँ पर पड़ी हुई है, वो भी काली बिल्ली थी, उसे भी मारा गया है। और आए दिन इसी तरह के यहाँ पर ये रात के समय में कुछ लोग आते हैं और वो लोग आकर यहाँ पर ये छोटी रोटी की टिकड़ी है, उन्हें काला रंग किया जाता है, लाल रंग किया जाता है। और यहाँ पे जो देखिए मैं बताऊँ, यहाँ पर ये लोग, मोहल्ले के लोग जमा हुए हैं, इनके द्वारा हमें कई बार फ़ोन किया जाता है और कई बार हमें बताया जाता है कि प्लीज़, काफ़ी समय से फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन आज इन्होंने बुलाया कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए यहाँ पर क्या किस तरह से सामान रखा गया है। मोहल्ले रहते हैं यहाँ पर, मोहल्ला पूरा बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर रहते हैं, औरतें यहाँ से निकलती हैं और ये रास्ता देविका को जाता है, लोगों के घरों का रास्ता जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो डर इनके मन में भी बैठा हुआ है। क्या कहेंगे अरुण जी, आप, आपका घर भी साथ ही है यहाँ? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 महीनों से कोई इंसान इधर रात के अंधेरे में आता है और स्कूटी लेके आता है। हमने इतना जांच पड़ताल की, हमने किसी से पता किया कि कोई बंदा स्कूटी लेके आ रहा है, वो हमारी पकड़ में नहीं आया, एक दिन वो भाग गया, स्कूटी लेके आ रहा है और डेली यहाँ पे लुहाफे रख रहा है। आप देख सकते हैं सड़क के किनारे किनारे लुहाफे को ढेर, एक दिन तो मेरा पैर पड़ गया लुहाफे पे। एक दिन किसी ने क्या किया था, नींबू रखा था, उसको लाल काले टीके लगाए थे और काले लौंग उसको उसमें डाले थे, वो नींबू के ढेर लगाए थे। एक दिन कील रखे थे, एक दिन तो किसी ने कणक का घड़ा फोड़ा था, कणक और उसमें माँ की दाल डाल के, एक दिन किसी ने घड़े के ऊपर काला कपड़ा लगा के और सतरंग की धागा लपेट के रख दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्ली उसे बिल्ली पड़ी है पीछे मरी हुई, वो तो अब सड़ गई है, उसका क्या देखेंगे। बिल्ली रखी थी मरी, उसके ऊपर एक लिफाफा रखा था, तो रखा यही होता है कि बुत बनाया होता है, अगर छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं, बुत को आंख और कान लगाए हैं। एक दिन तो सुबह सुबह मैं निकल रहा था, अंधेरा था, मेरा तो पैर पड़ गया लिफाफे पे, मेरे को तो आग लग गई उस दिन जिसने मेरे साथ हुआ। फिर ये आंटी इस मोहल्ले में रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा भी पैर लिफाफे पड़ा, ये तो मैं तो उस दिन से बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हुई। तो हम कहना चाहते हैं, ये जो भी कर रहा है टोने टोटके, ये टोने टोटके तू कर, या तो किसी ने ये धंधा खोला हुआ अपने घर में कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, टोने टोटके करके इधर खवा रहा है, या तो कोई काला जादू सीख रहा है कोई किताबें पढ़ के, तो हम उसको बोलना चाहते हैं अगर तूने कोई सीखना है काला जादू या किसी को बेवकूफ़ बना रहा है तो ये कहीं और रखो, कहीं जंगल में साइड पर फेंक दो, उधर फेंक दो, रास्ते के बीच में मत रखो। अगर मोहल्ले के लोगों को वो स्कूटी वाला लड़का वो पकड़ में आ गया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम तो पहले तो जो करना होगा वो मोहल्ले वाले करेंगे, बाद में उसको पुलिस के हवाले करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल के बच्चे देखो यहाँ से निकल रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएँ निकल रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं निकली, बुजुर्ग लोग निकल रहे हैं, कोई कैसे इस रास्ते से निकलेगा। देखिए, ये थे अरुण जी, और ये अरुण जी इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, और इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि एक लड़का है वो स्कूटी लेके आता है और वो स्कूटी रात के समय में आके यहाँ पे ये सामान छोड़ा जाता है, यहाँ पर सारे का सारा ये सामान। मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सामान नीचे, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि फिर देखिए, ये छोटी छोटी रोटी बनाई गई है, जिस तरह से ये बता रहे थे, घड़ा रखा गया था, कनक रखी गई है, काला कपड़ा रखा गया है। देखिए, वो धंधा करता है, क्या करता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि मंगल ग्रह पे रहने के लिए साइंस सोच रही है और ये लोग अभी भी वहीं पर हैं कि जादू टोना के चक्कर में चढ़े हुए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं लोगों से अपील यही करूंगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन यहाँ पर अमन जी भी यहाँ से निकल रहे थे। अमन जी, क्या कहेंगे, आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? देखिए, मेरे को बताया जा रहा है कि यहाँ पे जादू, मुझे भी पिछले कुछ दिनों से ये अरुण जी ने भी बताया था, यहाँ के कुछ लोगों ने भी मुझे बताया था कि भाई इस तरह से कुछ लोग, कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे टोने टोटके करता है, कोई लोगों ने उसकी स्कूटी भी देखी है, नंबर भी नोट किया है। देखिए, जहाँ एक बड़ी एक अजीब सी शर्म की बात है, जहाँ हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को बड़ी सी बड़ी शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भेजते हैं, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हम मंगल ग्रह पर प्लॉट बनाएंगे और वहाँ पर रहने की जो सुविधा है लोगों के लिए बनाएंगे, मंगल ग्रह पर पानी खोजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी
दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो टोने टोटकों में, जादू टोने में, काले जादू में विश्वास रखते हैं और उसके चलते कुछ बेजुबान जानवरों की बलि तक दी जाती है। यहाँ देखिए आपने एक बिल्ली को मारकर फेंका गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर किसी बेजुबान जानवर को मारकर आपका भला कैसे हो सकता है? ऐसा सोचने वाला आदमी ज़रूर कोई मानसिक विकृति का आदमी है और हम उस आदमी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई अगर आपको कोई टोना टोटका करना है अपने घर में बैठ के कीजिए, अपने घर वालों के साथ बैठ के कीजिए। और मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के किसी व्यक्ति के संपर्क में वो हैं तो हम उन्हें अवेयर करना चाहते हैं, भाई इस तरह के लोगों के चंगुल में ना फंसे। ऐसे लोगों के चंगुल में फंसकर आप अपनी सेहत को ख़राब करेंगे, अपने धन को बर्बाद करेंगे, अपने जीवन को नष्ट करेंगे। हमारी ये अपील हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट जो हमारी यहाँ, क्योंकि ये लिंक रोड है, ये देविका का रास्ता है, यहाँ पे सुबह सुबह लोग देविका मंदिर को जाते हैं और इस तरह की घटनाएं लोगों के लिए, क्योंकि पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं आज भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो टोना टोटका जो है इस तरह का ये लोगों के दिल में वहम पैदा करता है। तो इस तरह की हरकतें ना हों, ये हमारे समाज के लिए भी अच्छा है और हमारे लोगों के लिए भी अच्छा है। आपने देखा कि ये थे समाज सेविक अमन शर्मा जी, जिनका कहना था कि देखिए ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उस लड़के की पहचान की गई है, स्कूटी रखी हुई है, लेकिन ये आप उससे बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना था कि अगर वो इनके हत्थे चढ़ता है तो पहले तो उसके साथ मारपीट की जाएगी और उसके बाद पुलिस स्टेशन के पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये रास्ता देविका को निकलता है, यहाँ पे नीचे टीचर ट्रेनिंग स्कूल बना हुआ है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और कई लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। देखिए बहम बड़ी बड़ी चीज़ होती है, अगर कोई किसी का पैर इस पर रखा जाता है तो वो बेचारा मन में ये सोचता पता नहीं ये बीमारी मुझे लगेगी क्या होगा मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये जो लोग ऐसा करते हैं, जो धंधा अपनाए हुए हैं, लोग इनके चुंगल में ना आए, लोग इनके चक्कर में ना चढ़ें, पैसे की और धन की बर्बादी करेंगे ये लोग। बीमार कोई अगर घर में आए तो उसे डॉक्टर को दिखाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। चेतावनी दी जा रही है कि अगर वो व्यक्ति इस खबर को देखे तो यहाँ पर ना आए, अगर यहाँ पर पकड़ा गया तो उसके साथ उसकी हालत ख़राब होगी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।